आधुनिक भवन निर्माण में खूबसूरती लाने के लिए आज लैमिनेट का इस्तेमाल बखूबी किया जाता है। बेहद आकर्षक और बहुत सी वैरायटी में मिलने वाले लैमिनेट आज हर एक की पहली पसंद है। कभी कभी लैमिनेट लगाते समय इनमें क्रैक आ जाते हैं, जिसका कारण है कुछ सावधानियां न बरतना। आइए जाने लैमिनेट लगाते समय पड़ने वाले क्रैक के क्या कारण हैं। सबस्ट्रेट और लैमिनेट जीवित वस्तुओं की तरह व्यवहार करते हैं। ये प्लास्टिक के बने सामान नहीं हैं। मौसम और नमी में बदलाव के कारण इनमें फैलाव या सिकुड़न आ सकती है, जिसकी वजह से लैमिनेट में क्रैक आ जाते हैं। ज्यादातर सबस्ट्रेट जैसे कि पार्टिकल बोर्ड MDF या फ्लाई बोर्ड में नमी का स्तर लैमिनेट की नमी के स्तर से ज्यादा होता है, इसलिए गर्मी बढ़ने पर सबस्ट्रेट ज्यादा सिकुड़ता है। गर्मी से सिकुड़न होने पर लैमिनेट और सबस्ट्रेट पर दबाव बनता है और जिस स्थान पर इनकी बॉन्डिंग सबसे कम होती है वहां क्रैक आ जाता है। इसलिए हमेशा SH ग्रेड एडहेसिव का ही इस्तेमाल करें, जिससे लैमिनेट और सबस्ट्रेट में बॉन्डिंग मजबूत रहे। लैमिनेट में पड़ने वाले क्रैक से बचने के लिए किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? कारण नंबर एक, लैमिनेट सबस्ट्रेट और निर्माण स्थल में नमी का समान स्तर न होना। अगर लैमिनेट या सबस्ट्रेट में नमी का स्तर निर्माण स्थल यानी वर्क साइट की नमी के समान न हो तो लैमिनेट में क्रैक आने की संभावना होती है। लैमिनेट और सबस्ट्रेट की नमी का स्तर निर्माण स्थल की नमी के समान करने के लिए इन्हें 48 घंटे पहले निर्माण स्थल पर रख दें। साथ ही लैमिनेट को प्लाई बोर्डों के बीच दबा कर रखें, जिससे वे पूरी तरह सीधे हो सकें। इससे लैमिनेट और सबस्ट्रेट की नमी का स्तर निर्माण स्थल की नमी के समान हो जाएगा। कारण नंबर दो, किनारों का समान या चिकना न होना। ध्यान रखें कि लैमिनेट को काटने के बाद किसी प्रकार की छिलन, बहुत बारीक क्रैक या आरीनुमा कट न रह जाएं। आरीनुमा कट में बने नोक कमजोर पॉइंट बनते हैं और साथ ही क्रैक का कारण भी। लैमिनेट को काटने के बाद सभी किनारों को सैंड पेपर या रैगमार्क से रगड़ें ताकि किनारे चिकने हो जाएं, और ध्यान रहे आरी के दांत नोकीले हों। कारण तीन, लैमिनेट के जोड़ों में फैलाव के लिए गैप न होना। दो लैमिनेटों को बिना किसी गैप के चिपकाए जाने पर उनमें फैलाव के कारण उनके जोड़ में तनाव बन जाता है। इस दबाव के कारण वहां क्रैक आ जाते हैं। दो लैमिनेटों को जोड़ते समय उनमें 2 मिलीमीटर की दूरी रखें, जिससे कहीं कोई दबाव न बने। ये दूरी लैमिनेट को जोड़ते हुए क्रैक और ओवरलैप से बचाव करती है। कारण चार, लैमिनेट के अंदरूनी किनारों को 90 डिग्री एंगल पर काटा जाता है, जिससे दबाव बनता है और क्रैक आ जाता है। लैमिनेट के अंदरूनी किनारों को अगर 90 डिग्री एंगल पर काटा जाता है तो दोनों किनारे एक ही पॉइंट पर नहीं मिल पाते और इन किनारों की थोड़ा ज्यादा कट जाने की संभावना होती है। ऐसे किनारे या एज सबसे कमजोर स्थान होते हैं, जो कि सबसे पहले क्रैक होते हैं। इसके लिए लैमिनेट के अंदरूनी किनारों या कोनों में ड्रिल करें। ये कम से कम 3 मिलीमीटर का रेडियस यानी अर्घ व्यास हो और ध्यान दे किसी भी कोने में कोई कट न बन पाए। ड्रिलिंग के बाद उन्हें सैंड पेपर से रगड़ कर चिकना कर ले। कारण पांच, लैमिनेट में कीलें ठोक कर लगाने के कारण आने वाले क्रैक। लैमिनेट वाली सतह पर पेंटिंग या फोटो टांगने के लिए कीलें ठोकने की जरूरत पड़ती है, लेकिन कील जिस स्थान पर ठोकी जाती है लैमिनेट के उस पॉइंट पर बहुत दबाव पड़ता है, जिससे क्रैक आ जाता है। कील को लैमिनेट के जिस स्थान पर लगाना हो वहां ड्रिल करें। ड्रिल करते हुए ध्यान रखें और हमेशा राउंड ड्रिल का ही उपयोग करें। आपकी सहायता के लिए मैरिनो लैमिनेट पैकिंग पेपर शीट पर ये सभी सावधानियां लिखी गई हैं। मैरिनो लैमिनेट पैकिंग पेपर शीट पर लिखी सावधानियों को ध्यान पूर्वक पढ़ें और उसके अनुसार लैमिनेट लगाएं। अगर कारीगर कुशल हो और ये सभी सावधानियां बरती जाएं, तो लैमिनेट लगाते समय आने वाले इन सभी क्रैक से आसानी से बचा जा सकता है। लैमिनेट का इस्तेमाल स्कूल, कॉलेज
ऑफिस या घर किसी भी निर्माण की खूबसूरती को निखार देता है और मुश्किल से मुश्किल डिजाइन को संभव बनाता है। लैमिनेट से संबंधित ऐसी और अधिक जानकारियों और ट्रेनिंग वीडियो के लिए मेरिनो परिवार से जुड़े रहें।